प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा नर्सिंग भर्ती 2018 की ANM और GNM। दोस्तों देखिए, बहुत सारे सवाल आप लोगों के आए आए हैं और मिलते रहते हैं लगातार, सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनली मैसेज के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल्स के माध्यम से। तो तमाम लोगों को रिप्लाई कर पाना दोस्तों असंभव हो जाता है इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ आप लोगों की जो क्वेरीज थी उनके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट जो वीडियो है आप लोग ज़रूर देखें। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है ट्रांसफ़र का, ठीक है। तो दोस्तों, जो फिलहाल चिकित्सा विभाग में ट्रांसफ़र चल रहे हैं उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी सी बात है, उनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रवीक्षा काल में आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ये सीधी और स्पष्ट बात है। दूसरी बात है, कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि सर ऑनलाइन चॉइस भरवाएंगे या नहीं भरवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इंसानी फितरत है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता किसी भी चीज़ से। जब पोस्टिंग नहीं मिली थी तो आप लोग कह रहे थे हमें भी कोरोना में ड्यूटी करनी है, हमें भी देश सेवा का मौका मिलना है, लेकिन वो चीज़ें पोस्टिंग मिलने के साथ ही बदल गई। चाहता हूँ भावनात्मक रूप से आपके साथ हूँ, लेकिन सच को भी स्वीकार करना चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं करनी है। तो ऑनलाइन जो चॉइस हैं जरूर होंगी, लेकिन दोस्तों देखिए, नाजुक वक्त चल रहा है और संभवतः कुछ दिनों बाद, ठीक है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आप लोगों की चॉइस भी आएगी। लेकिन इसको लेकर के मन को विचलित ना करें, कंसंट्रेट रखें अपने आप को। जब पोस्टिंग नहीं मिला था उस वक्त की और इस वक्त की तुलना करें, फिर सोचें कि आपका इस बारे में टेंशन करना कितना उचित है। तो यही कहना था मेरा तो ऑनलाइन चॉइसेस के बारे में, होगी जरूर, इतनी गारंटी है। तीसरा सवाल था, जो नए नवेले अभी चयनित हुए हैं महिला और पुरुष अभ्यर्थी, ANM हो चाहे GNM हो, उसके अंतर्गत तो इनमें से कुछ लोग, लगभग लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इनका भी सवाल है। दो तीन कमेंट्स मिले थे, सर हमने आज ज्वाइन कर लिया लेकिन होम जिला कब मिलेगा। तो होम जिला मिलेगा आपकी मेरिट पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप विडो डाइवोर्स PHA हैं तो आपको होम जिला मिल ही जाएगा। उसमें भी आपकी मेरिट मैटर करेगी, आपकी परसेंटेज मैटर करेगी, इसलिए चिंता ना करें। नौकरी आपकी राजस्थान में ही है, कहीं ना कहीं है, तो करनी ज़रूर पड़ेगी, इसलिए इस बातों को ज़्यादा ना सोचें। जो कुछ भी होगा, आपकी जो परसेंटेज है, चाहे आप PH हैं, चाहे आप डायवोर्स हैं, चाहे विडो हैं, अन्य कैटेगरी हैं, तो आपकी जो मेरिट है वो डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि आप तो भाई अगर विडो हैं तो आपको, मान लो किसी भी जयपुर जिले से हैं, जयपुर मिल गया, जयपुर में जितने विडोज का सिलेक्शन हुआ है उनका परसेंटेज क्या है, उस हिसाब से सीटें कितनी डिवाइडेशन आपको मिल रही हैं उस हिसाब से होगा। तो ये गारंटी नहीं है कि आप लोग अगर स्पेशल कैटेगरी से हो तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ही, सब कुछ होगा मेरिट बेस पे होगा। हाँ ये है कि इन स्पेशल कैटेगरीज के साथ ये हो सकता है कि आपकी जो प्राथमिकता है वो पहले होगी, लेकिन मिल भी सकता है, लेकिन जरूरी वो भी नहीं है, ठीक है। एक और सवाल था, कुछ अभ्यर्थियों ने CMHO में अपने कागजात जमा करा दिए हैं और कागजात जमा कराने के बाद उनको कहा गया है कि 2-4 दिन में आप लोगों को हम सूचना देंगे। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी CMHO में, PMO में, जहाँ कहीं भी आपने ये डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, तो अब इसको लेकर के आप चिंतित ना हो, वो लोग आपको खुद बे खुद कॉल करेंगे, अन्य माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। पोस्टिंग पैलेस जो आपका है, जो भी PSC उनको देना है, CSC देना, सब सेंटर देना, या जहाँ पर भी आपको देना है CMHO को, तो आपको जरूर देंगे। इसके लिए चिंता ना करें कि सर हमने तो डॉक्यूमेंट करा दिए, लेकिन अब ज्वाइनिंग कब होगी। जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट करा दिए थे वही आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी, और आप लोगों को वो मैसेज के माध्यम से, अन्य माध्यम से आप लोगों को बता देंगे, इसके लिए भी आप लोग चिंता ना करें। एक और सवाल था दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का, कि सर वो जो आपका है कि अब जो बचे हुए हैं और भी कैंडिडेट बचे हैं अभी, उनका क्या होगा। तो दोस्तों, जितनी सीटें हैं, ठीक है, जितनी सीटें इस भर्ती में हैं वो तमाम सीटें फिलअप की जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो अब रह गए हैं इनका भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी सीटें इस भर्ती में हैं, चाहे ANM हो चाहे GNM में हो, जितनी सीटें आपकी थी, जितनी बढ़ी थी MBC वगैरह को मिला कर, किया जिस तरीके से भी, वो सारी की सारी सीटें
एक भी वैकेंट नहीं रखी जाएगी और वो आपकी जरूर भरी जाएगी। एक और दोस्तों सवाल था जामिया का, तो दोस्तों जामिया का भी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन जामिया की महिला अभ्यर्थियों के लिए यही निवेदन है कि वो लोग भी संयम रखें, धैर्य रखें और विश्वास रखें, आप लोगों का भी काम होगा। अगला दोस्तों एक और मैसेज था वेटिंग लिस्ट को बाबत, तो वेटिंग लिस्ट देखिए दोस्तों, जब तक पूरी वैकेंसी के सारे पद स्थापन क्लियर नहीं हो जाते उसके बाद वेटिंग के बारे में आप लोग सोचिएगा। और ज़्यादा नंबरों वाले तो जो रह गए थे 1-1.5-2% से, वो तो सोचे बिना, इसमें पॉइंट्स में बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उनका ही नंबर आएगा। जिनके ज़्यादा कम मार्क्स से कोई 1% से रह गया हो, 1.5% से रह गया हो, तो उनके चांस ना के बराबर हैं, तो वो इस वैकेंसी के बारे में अब ज़्यादा ना सोचे क्योंकि वक्त ख़राब ना करें, अपनी अदर तैयारी को आप लोग करें। तो वेटिंग के बारे में अपडेट है, जब तक सभी लोगों की पोस्टिंग नहीं होगी तब तक वेटिंग के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सब लोगों की पोस्टिंग होने के बाद वेटिंग जरूर आएगी और उसके लिए भी जरूरी है कि विभाग पर हम लोग दबाव बनाए रखेंगे तब, ठीक है। तो ये सवाल थे, इसके अलावा कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका भाई फाइनल लिस्ट में तो नाम था, जैसे कुछ पीएच डाइवोर्स या विडो की मैं बात करूं, और अब उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया जो अभी 5-6 तारीख को आया था उसमें, तो उनके लिए भी यही मेरा आग्रह है कि मेरे पास दोस्तों इस सवाल का जवाब नहीं है क्या इन लोगों ने किया है, चिकित्सा विभाग ने क्या नहीं किया है, तो उनके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो भी जानकारी है स्वास्थ्य भवन से लेने की कोशिश करें, बाकी बिल्कुल जितनी सीटें हैं वो सारी भरी जाएंगी, चिंता की डरने की कोई भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और ट्रांसफ़र के लिए मैं कहना चाहूँगा, फिर कह रहा हूँ, किसी भी ऐसे तत्व के संपर्क में ना आए जो आपसे पैसे लेके आपको कहे कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ऑनलाइन चॉइस का वेट करें, मेरा तो यही निवेदन है, बाकी आप लोग करेंगे आपका निजी फैसला होगा, लेकिन ऑनलाइन चॉइस का वेट करें। और ऑनलाइन चॉइस के वेट करने के बाद आपको जो आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग जिला जरूर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ आप लोगों की क्वेरीज थी, और एक और था ये चेक लिस्ट वगैरह का, कुछ बच्चों ने अभी तक ज्वाइन अगर नहीं किया तो 28 अप्रैल को एक जो आदेश आया था दोस्तों 9,000 अभ्यर्थियों का, उसमें 7-8 पेज की एक पीडीएफ फाइल थी, उसमें लास्ट का जो पेज है वो चेक लिस्ट के रिगार्डिंग है, वो आप लोग करवा सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं करवाया जमा तो उनको भी ऐसी कोई बात नहीं है, CMHO से अगर आपको फ़ोन कॉल्स आए या मैसेज आए कि चेक लिस्ट भी जमा करानी है तो आप लोग करवा सकते हैं, अदरवाइज जिन्होंने नहीं करवाई है ना तो भी उनको ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, और एक और हमारा चैनल है दोस्तों ये RSB A to Z Knowledge के नाम से, इस पर भी अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें, इसको भी सब्सक्राइब करें, इस पर भी आगामी 20 अक्टूबर के बाद इस पर भी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपको, शिक्षा राजनीति तमाम तरीके की जो हैं वो इसमें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। RNS एजुकेशन न्यूज़ पर सिर्फ शिक्षा संबंधी नौकरी संबंधी जानकारी होगी, और दूसरे चैनल पर आपको तमाम अपडेट्स इसमें देश दुनिया के देखने को मिलेंगे 20 अक्टूबर के बाद, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद प्यारे साथियों, और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।